भारतीय किसान संघ जिला इकाई मंदसौर द्वारा केंद्र सरकार के नाम सांसद सुधीर गुप्ता को दिया ज्ञापन। जिला प्रचार प्रसार प्रमुख मुकेश चौधरी ने दी जानकारी। जून 2020 अध्यादेश में चार बिंदुओं को जोड़ने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों के हित में चार बिंदुओं को जोड़ने के लिए मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने सुधार करने की मांग की। भारतीय संघ ने कृषि व्यापार अध्यादेश जून 2020 में किसानों के हित में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले पहले मांग रखी गई, जिसमें सरकार द्वारा किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है। किसान अपनी उपज कहीं पर बेच सके, इसलिए जो व्यापारी खरीदी करते हैं उनका राज्य सरकार केंद्र सरकार में पंजीयन होना चाहिए। किसानों के लिए जिले में कृषि न्यायालय हो, जिससे विवादों का निपटारा जिले में हो, जिसमें जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, जिला मंत्री राधेश्याम खन्ना, सहमंत्री विष्णुदास बैरागी, उपाध्यक्ष बद्रीलाल पाटीदार, जिला संयोजक रमेश जाट, मंदसौर तहसील अध्यक्ष भंवरलाल कुमावत आदि किसान संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया। उसमें किसान ये चाहते हैं कि किसान और कॉरपोरेट कंपनियों के बीच में एक व्यावहारिक विभाजन किया जाए। जो व्यापारी अब सीधी खरीदी करेंगे मंडियों के बाहर भी, उनको ये चाहते हैं कि उनका कोई रजिस्ट्रेशन हो, और आपसी विवाद जो मंडियों में मंडी के अंदर ही निपट जाते थे, अगर वो बाहरी खरीदी होती है और कोई अगर डिस्प्यूट आता है तो किसान न्यायालय स्थापना करने का किसान संघ का मांग है। और मैं किसान संघ की मांग और भावनाओं को भारत सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि किसानों के अंदर से इन्होंने पूरी एक तरह से डिबेट करके इन विषयों को निकाला है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं भारत सरकार। नाम है आपका? भंवर सिंह पवार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ मंदसौर। ज्ञापन दिया, क्या कहना आपका? भारत सरकार द्वारा कृषि व्यापार अध्यादेश 2020 लागू किया गया है, उसके विषय में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जो भारतीय किसान संघ के द्वारा उसमें सुधार हेतु चार पांच बिंदुओं के आधार पर सुधार हेतु ज्ञापन दिया गया है सांसद महोदय को। इस विषय में कल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभाकर जी केलकर भी 4:30 बजे फेसबुक पर लाइव थे, जो पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया है। उसमें जैसे कि गेहूं का समर्थन मूल्य, मान लो सारी फसलों का जिनका समर्थन मूल्य 1925 रुपये घोषित है, तो इस प्रकार से जो समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित है उससे कम में कोई फसल कहीं पर भी बिकना नहीं चाहिए, ऐसे कई चार पांच बिंदुओं पर विचार विमर्श करके भारतीय किसान संघ ने सरकार से आग्रह किया है, एवं पूरे देश में इसके लिए जन अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश से किसानों ने अपने गांव-गांव से इस अध्यादेश का मेल प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के नाम किया है, एवं पत्रों के माध्यम से भी भेजा है।